उधर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेता अखिलेश यादव के लिए हुंकार भर रहे थे और बीजेपी को कोसने में लगे थे कि इधर देश की राजधानी दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा फैसला आ गया, जिससे गठबंधन दलों को थोड़ी राहत तो मिल गई और चुनावी मौसम के बीच बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, जिससे केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सके। जैसे ये फैसला कोर्ट से आया, विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना चालू कर दिया। अखिलेश यादव ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर राहुल के साथ वाली एक तस्वीर पोस्ट की, साथ ही गठबंधन की एकजुटता के साथ बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने तस्वीर के साथ अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलाने जा रही है, एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें। आखिरी में अखिलेश ने अपनी पोस्ट में कभी नहीं चाहिए भाजपा लिखा। बता दें कि इससे पहले जब आप सांसद संजय सिंह को मामले में कोर्ट से राहत मिली थी, तब मामले में विपक्षी दलों ने बीजेपी को जमकर घेरा था, लेकिन अब सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। ऐसे में अब विपक्ष तो विपक्ष, जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल बीजेपी पर बरसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि केजरीवाल को 2 जून को फिर जेल में वापस जाना है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।